दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केशिशना क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। कहता है निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध करें। टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है वो हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और LHS पार्ट को लिख दीजिएगा। LHS को तो देखिए, LHS में क्या है हमारा, तो LHS में है हमारा tan थीटा बटे ये 1 माइनस ये cot थीटा प्लस ये हमारा है cot थीटा बटे ये जो है वो 1 माइनस ये tan थीटा है। तो देखिए वो साइन यानी कि tan cot दिख रहा है, तो साइन cos में पहले हम बदल देंगे सबसे पहले। तो देखिए ये जो है वो फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा बट्टा ये 1 माइनस cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टे ये sin थीटा, ये हम लोग जानते हैं। प्लस cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टे ये sin थीटा बट्टा ये जो है वो 1 माइनस ये cos थीटा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा ये cos थीटा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sin थीटा बट्टा ये cos थीटा। और देखिए यहाँ पे जो है वो हम लघुत्तम लेंगे तो ये देखिए ये 1/1 है और ये 1/1, 1 sin का लघुत्तम sin थीटा हो जाएगा। देखिए इसको भाग देंगे तो 1 और 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा ये हमारा होगा sin थीटा माइनस ये जो है वह cos थीटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए sin में sin भाग देंगे तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा और ये जो है वह जोड़ दे दीजिए प्लस। अब देखिए ये cos थीटा बट्टे में ये sin थीटा और यहाँ पे जो है वो हम लघुत्तम लेंगे तो ये जो है वो एक और cos का लघुत्तम लेंगे तो cos थीटा, एक से भाग देंगे तो cos थीटा गुना कर देंगे तो ये हमारा cos थीटा और ये माइनस में ये हमारा sin थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ यहाँ पे देखिएगा, अब जो है वो इसको जो है वो हम पलट देते हैं, तो पलट देते हैं तो ये sin ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा होगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे जो है वो ये हमारा इसके साथ आ जाएगा, अर्थात ये कोस थीटा इंटू ये जो है वह साइन थीटा माइनस ये कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये प्लस ठीक उसी प्रकार ये जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बट्टे ये जो है वो हमारा होगा क्या होगा, ये हमारा होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस में ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आपको हम बता दें ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है बुआ, तो देखिए अब जो है वो हम आगे इसको हल करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो ये जो है वो आगे नेक्स्ट पेज में इसको हम हल करना चाहेंगे। ठीक है, ये इतना दूर में नहीं होगा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस कॉमन लेकर ये जो है वो यानी प्लस है तो माइनस बना देते ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे जो है वो हमारा कोस थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस ये कोस थीटा और ये प्लस है तो ये माइनस बना देगा। ठीक है, और ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा बट्टे ये जो है वो हमारा साइन थीटा, माइनस हम कॉमन लिए तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा अर्थात ये साइन थीटा हो जाएगा माइनस ये कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इसको प्लस को माइनस बना दिए। अब देखिए एलसीएम लेने में आसानी होगा तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इनका, तो एलसीएम हम लेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या आएगा, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये जो है वो हमारा आएगा, ये हमारा आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ये इंटू में आएगा साइन थीटा माइनस ये कोस थीटा आएगा। ठीक है, तो अब देखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा गुना हो जाएगा तो ये हमारा होगा साइन क्यू थीटा माइनस, उसी प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा कोस थीटा, जब ये गुना होगा कोस क्यू थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखिए बुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और ये इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन थीटा इंटू ये कोस थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू जो है वह साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है वन होता है, तो ये वन प्लस
ये जो है वो हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और बट्टे जो है वो हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए प्लस होने के कारण दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो वन बट्टा ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस ये जो है वो हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टा ये जो है वो हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा तो ये हमारा वन प्लस वन बट्टा साइन क्या होता है कोसेक थीटा होता है, तो ये हमारा कोसेक थीटा इंटू वन बाय कोस क्या होता है, ये जो है वो वन बाय कोस क्या होता है तो वन बाय कोस होता है, या फिर जो है वह यानी कि ऐसे ही रहने दीजिए, हमें जो है वह किसमें प्रूव करना है टेन और कोट में भी प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको जो है वो वन के स्थान पे जो है वो हम लिख देते हैं, ये जो है वो वन के स्थान पे लिख देते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है और बट्टे ये जो है वो हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो है ये हमारा वन प्लस ये देखिए बीच में प्लस होने के कारण दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देगा, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे ये जो है वो हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा और ये प्लस ये जो है वो हमारा कोस स्क्वायर थीटा बट्टे ये जो है वह साइन थीटा इंटू ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा। देखिए एगो कोस एगो साइन कैंसिल है, देखिए वन प्लस साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा और कोस बटा साइन क्या होता है कोट थीटा, देखिए यही प्रूव करना था तो बराबर आर एच एस लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा जो है वो लंबा है, इसको जो है वो आप दो तीन बार देख लीजिएगा आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, इसको रेडी रख लीजिएगा, ये जो है वो पांच नंबर में पूछता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 35 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।